बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4, लेक्चर नंबर 19 है हमारा। हमने जो लास्ट लेक्चर में कुछ स्लोप के फॉर्मूला डिस्कस किए थे और क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हमारे पास फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, आपने एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल फ्रॉम द लाइन, एक लाइन से टू द लाइन, दूसरी लाइन तक, ठीक है ना। पॉइंट गिवन है हमें लाइन के। फाइंड मेजर ऑफ द एंगल, पहली बार यहाँ तक करते हैं, हमें एंगल फाइंड करना है। मैंने जो आप लोगों को फॉर्मूला सिखवाए थे 2.4 के, उसमें चेक करें हमारे पास एंगल का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और आपको पता है कि एंगल जब भी बनाया जाता है तो दो लाइन्स के बिटवीन ही बनता है एंगल, सही है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने एक लाइन ली और फिर एक दूसरी लाइन ली, इन दोनों के बिटवीन मैंने एंगल ड्रॉ कर दिया ऐसे ही जनरली अपने पास से। ये कहा जा रहा है कि आपने एंगल फाइंड करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि मुझे एंगल फाइंड करना है, सही है। मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर ली। अब जी, तो मैंने दो लाइंस ड्रॉ करी हैं, इसके पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स क्या हैं? फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन, जो लाइन है थ्रो, कहाँ से कहाँ तक बन रही है, इन दो पॉइंट से। पहला पॉइंट यहाँ लिख देंगे -3/1, दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिख देंगे 4/3, सही है। फिर टू द लाइन, दूसरी लाइन तक थ्रो द थ्रो, जो दूसरी लाइन है उसके दो पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक पॉइंट यहाँ लिखेंगे, एक पॉइंट यहाँ लिखेंगे, सही है। हमने ये मैंने जनरली ड्रॉ किया है, मैं कहीं भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो दो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये डायग्राम मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले ये देख लें आप। हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूला कौन सा था एंगल का, वो वाला मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं जब फॉर्मूला देख रही हूँ, इससे मुझे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, m2 - m1 + m2 m1, मुझे ये चीज़ें चाहिए क्या, m1 और m2। अब m1 और m2 क्या होते हैं, स्लोप होते हैं। अब स्लोप कहाँ से आएंगे, उसके लिए हमें ये चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, पॉइंट्स गिवन है। तो मैंने डायग्राम में क्या किया, दोनों पॉइंट्स सीखे, थीटा में फाइंड करना है, तो जो मुझे एम चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये जो लाइन वन थी इसको m1 का नाम दे दिया कि इस लाइन का स्लोप m1 है, ये दूसरी लाइन थी इसको m2 का नाम दे दिया कि इसका स्लोप m2 है, सही। अब मुझे m चाहिए, m2 मेरे पास है, m कहाँ से आएंगे, सिर्फ इस लाइन की बात करते हैं, ये वाली लाइन जो है हमारे पास, इस लाइन की बात करते हैं अगर हम, तो इस लाइन पर मेरे पास मुझे m1 चाहिए। तो बताएं स्लोप फाइंड करने का मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी जिसमें दो पॉइंट्स हो, ठीक है। इसे इक्वेशन का नाम दिया फॉर m1 के लिए हम काम कर रहे हैं, तो m1 के ये दो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे। पॉइंट्स जब भी हो तो स्लोप का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूला नंबर 1। मैंने वो फॉर्मूला लिखा, इसमें यहाँ से उठाकर वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। अब पुट करनी तो आपको आ गई होंगी, इसको सॉल्व किया मेरे पास m1 का आंसर आ गया, ठीक है। अब इस तरह किसके लिए काम करूँगी, m2 के लिए ये दो पॉइंट्स लूँगी, मैंने दोनों पॉइंट्स लिखे, फॉर्मूला लिखा, m2 के लिए काम करी, वैल्यूज मैंने यहाँ पुट करी, पुट करने के बाद मेरे पास m2 का आंसर आ गया 9/5, ठीक है। अब क्या m1 भी आ गया, मेरे पास m2 भी आ गया, मैं कहाँ पुट कर दूंगी, पुट m1 एंड m2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहाँ है मेरे पास, ये रही इक्वेशन 1 में m1 और m2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। tan थीटा लिखा, m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू, 1 + m2 और m1 की वैल्यूज पुट करी, पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफिकेशन करिए, 5 7 = 35 एलसीएम आ रहा था, एलसीएम में क्या किया, 5 और 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 7 = 35 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी इसकी मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, एलसीएम के लिहाज से किया काम मैंने, जैसे 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया। नीचे की बात करते हैं, 1 + 7 हो गया, 9 2 = 18, 5 7 = 35, ये दोनों बैक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। 63 में से 10 - की 53 बचेंगे मेरे पास, ओवर 35 एज इट इज आ गया। यहाँ इसका एलसीएम आ रहा है 35 1 = 35, 18 एज इट इज, नीचे 35 एज इट इज, इन दोनों को प्लस किया मेरे पास आ गया 53 ओवर 35 दोनों में आए, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर 1 बचा मेरे पास। फिर 10 यहाँ था, इसको मैंने उधर मूव करवा दिया, टेंजेंट इनवर्स हो गया, टेंजेंट इनवर्स 1 लिया, मेरे पास आंसर 45 आ गया। कैलकुलेटर अगर आपका डिग्री में है तो आपको ये आंसर देगा, अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन में है तो आपको आंसर देगा 5/4। बेहतर है आप दोनों कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना अगर आप एक भी आंसर देंगे तो वो भी काबिल कबूल है। फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने यकीन सीखा होगा रेडियन और डिग्री करना, और आई थिंक वो आप भूल भी चुके होंगे, सही है। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, कैलकुलेटर आप अपना रेडियन में रखेंगे तो आपको 5/4 आंसर दे देगा, कैलकुलेटर अगर आपका डिग्री में है तो आपको वो 45 में आंसर दे देगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में था क्या, दो लाइन्स गिवन थी, सही है। हमने एक लाइन का m1 फाइंड किया, दूसरी का m2, टेंजेंट हमें थीटा हमें फाइंड करना था, हम टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट करके आंसर आ गया, सही है। अच्छा, अभी क्वेश्चन था क्या, हमें एंगल फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, एंगल मतलब थीटा, तो हमने थीटा फाइंड किया, देखें सही है। हो सकता है आपके पास एंगल की जगह लिखा हो फाइंड द मेजर ऑफ द टेंजेंट, आपने टेंजेंट फाइंड करना है। अब टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, टेंजेंट क्या, टेंजेंट मतलब
टेन थीटा, सही। ये अगर आपसे क्वेश्चन में मांगा जाए कि आपने टेंजेंट फाइंड करना है तो आपका आंसर ये रहा वन, यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा, इससे आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आपने एंगल फाइंड करना है तो आपने आगे का प्रोसीजर करना है, वरना यहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे, सही। अच्छा, और टेंजेंट का ये रहा फॉर्मूला, और हम टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।